एंड रोस्ट वेजीज। तो सबसे पहले टेक अ कढ़ाई और अ पैन और उसको फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। मैं रफली 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आई एम गोइंग टू ऐड मशरूम्स, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, जुकीनी एंड बेबी कॉर्न। इसके साथ आप और भी सब्जियाँ ले सकते हो जैसे कि ग्रीन कैप्सिकम, ब्रोकली और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो। नाउ ऐड ऑल दीज वेजिटेबल्स इन टू द कढ़ाई एंड देन सॉटे इट फॉर सम टाइम। तो रोस्टेड वेजीज बनाने के लिए हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाते या फिर गलाते नहीं हैं, ये थोड़ी सी रॉ एंड थोड़ी सी कुक्ड रहती हैं। नाउ लेट्स ऐड सम स्पाइसेस, सॉल्ट एंड पेपर। इसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड नाउ 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली सॉस। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट सारी सॉसेज वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। You will get a very nice aroma of soy sauce. अब हम कढ़ाई को कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे और अराउंड 5 मिनट्स के बाद हम इसको वापस खोल लेंगे। हमारी सब्जियां पार्शली कुक हो चुकी हैं। थोड़े से सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करेंगे एंड नाउ आवर वेजिटेबल्स आर रेडी टू बी सर्व्ड। लेट्स टेक देम आउट इन अ नाइस प्लेटर। आई लव द वे दीज रोस्टेड वेजीज लुक, दे लुक सो कलरफुल। आप इनको सूप के साथ भी खा सकते हो। दीज आर अ गुड स्टार्टर एंड अ नाइस मेन कोर्स एज वेल। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सेसमे सीड्स डालेंगे इसको गार्निश करने के लिए और इसी के साथ हमारी ये डिश रेडी है।